subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Start. चूंकि वादी ने प्रदर्श पी एक के आधार पर वाद भूमि के ऊपर अपने हक का दावा करते हुए वाद फाइल किया है, इसलिए यह साबित करने का भार उस पर जाता है कि विभाजन के बावजूद जो तारीख 21 मई 1977 को हुआ था, वाद भूमि तारीख 6 मई 1985 के संशोधित विलेख द्वारा उसके पिता को दी गई थी। प्रतिवादियों ने प्रदर्श पी एक पर बैजनाथ के हस्ताक्षरों को विवादित किया है। दोनों ही पक्षकारों ने हस्तलेख विशेषज्ञों की रिपोर्ट अपने अपने हक में पेश की है। दोनों रिपोर्ट एक दूसरे के प्रतिकूल है, इसलिए विद्वान सिविल न्यायाधीश ने स्वयं रिपोर्ट की परीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वादी प्रदर्श पी एक के ऊपर बैजनाथ के हस्ताक्षर को साबित करने में विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर प्रदर्श पी एक पर विश्वास नहीं किया कि बैजनाथ द्वारा वर्ष 1986 में मनोहर लाल और उसकी पत्नी के विरुद्ध एक वाद फाइल किया गया था, जिसमें मनोहर लाल ने अपने हक में प्रदर्श पी एक के बारे में उल्लेख किए बिना लिखित कथन फाइल किया था, और इस तथ्य ने विचारण न्यायालय तथा निचले अपील न्यायालय के विवेक में ठीक ही संदेह उत्पन्न किया है। क्या यह प्रदर्श पी एक उस समय उपलब्ध था जिससे कि स्वर्गीय मनोहर लाल इसे लंबित वाद में अपने लिखित कथन में प्रकट करता? आरंभतः विद्वान विचारण न्यायालय ने तारीख 20 अगस्त 2007 के आदेश द्वारा प्रदर्श पी एक को साक्ष्य में चिन्हांकित करने से इनकार कर दिया था, और वादी ने उक्त आदेश से व्यतीत होकर इस न्यायालय के समक्ष 2017 की रिट याचिका संख्या 4909 फाइल की थी। उक्त याचिका में याची की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी थी कि यदि उक्त विभाजन की अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने की आवश्यकता भी है तो भी यह एक अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज होने के नाते वादी द्वारा इसका संपार्श्विक प्रयोजन के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता। प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल द्वारा उक्त दलील का विरोध नहीं किया गया था, और विद्वान रिट न्यायालय ने तारीख 5 अक्टूबर 2007 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट करते हुए रिट याचिका का निपटान कर दिया था कि वादी संपार्श्विक प्रयोजन के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्रदर्श पी एक के उपयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा। प्रतिवादी का समुचित प्रक्रम पर आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी। यदि वादी संपार्श्विक प्रयोजन के सिवाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए उक्त दस्तावेज का अवलंब लेने की वांछा करता है, स्वीकृतता
चूंकि प्रदर्श पी एक एक अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है, इसलिए वादी के हक में कोई अधिकार नहीं पहुंचता है। विद्वान रिट न्यायालय ने यह ठीक ही अभी निर्धारित किया है कि उक्त दस्तावेज का केवल संपार्श्विक प्रयोजन के लिए अवलंब लिया जा सकता है, अन्यथा भी वादी वाद भूमि के ऊपर अपना कब्जा साबित करने में विफल रहा है और इसलिए वादी द्वारा प्रदर्श पी एक का संपार्श्विक प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। पीडब्ल्यू एक ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह स्वीकार किया है कि वाद भूमि का वर्ष 1970 में हुए विभाजन में शिव चेतन को हिस्सा दिया गया था और उस समय स्वर्गीय बैजनाथ शिव चेतन के साथ रहता था और शिव चेतन उसकी भूमि की देखभाल करता था। उसके पिता वर्ष 1980 से 82 में इंदौर छोड़कर चले गए थे और उसने इस तथ्य के बावजूद वादपत्र में माता का नाम सम्मिलित नहीं किया कि वह वाद फाइल करने के समय जीवित थी। उपयुक्त को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस अपील से विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित है। उपयुक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए इस अपील में विधि का कोई प्रश्न यहां तक कि विधि का सारभूत प्रश्न अंतर्वलित नहीं है और इसलिए अपील खारिज की जाती है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।